एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अब इसी वीडियो में आगे हमारा जो चैप्टर 11 था मार्केटिंग मैनेजमेंट उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमारी अगली चीज जो इस चैप्टर में आती है दैट इज डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग क्या है? सबसे पहले इन डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जो है हमारे आ सकता है। तो वील स्टार्टेड कि सबसे पहले इसका बेसिक अगर हम लेते हैं दैट इज फोकस। तो वो बोल रहे हैं कि सेलिंग का मेन फोकस होता है ऑन द नीड्स ऑफ द सेलर और मार्केटिंग का मेन जो होता है फोकस होता है ऑन द नीड्स ऑफ द कस्टमर। यानी सेलिंग में बस वो जो भी बनाते हैं वो चाहते हैं कि वो उनका जो प्रोडक्ट है वो किसी तरह से बिक जाए, बट मार्केटिंग में हम सोचते हैं कि हम वो चीज सेल करें जो कस्टमर की नीड एंड वॉन्ट हो या जो कस्टमर ने हमारे डिजायर किया हो। फिर सेलिंग का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। प्रॉफिट तो ऑप्टिमम जो है सारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम कोई काम बिना फायदे के नहीं करते। तो सेलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड सेल्स, और मार्केटिंग का होता है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मेन फोकस होता है जो इनके कस्टमर्स हैं वो सैटिस्फाइड रहे। सेलिंग का स्कोप क्या है? लिमिटेड है सिर्फ गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करने तक, बट जो मार्केटिंग है उसका बहुत वाइडर स्कोप है, क्योंकि वो सिर्फ प्रोडक्शन करने पर फोकस नहीं करता, वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आफ्टर सेल सर्विसेज, प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना, प्रमोशन करना, बाकी की अदर एक्टिविटीज पर भी फोकस करता है। सेलिंग स्टार्ट होता है प्रोडक्शन के बाद, और प्रोडक्ट हमने सेल कर दिया तो खत्म हो जाता है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग। बट मार्केटिंग इन दैट टर्म प्रोडक्शन से पहले शुरू हो जाता है, क्योंकि हम मार्केट रिसर्च करते हैं, प्रमोशन करते हैं, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करते हैं, तो ये प्रोडक्शन से पहले शुरू हो जाता है और सेल के बाद भी कंटिन्यू करता है। क्यों? क्योंकि हम प्रमोशन करते हैं, कस्टमर के फीडबैक लेते हैं, हम उन्हें आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसलिए अब सेलिंग के एफर्ट्स क्या करते हैं? सेलिंग में वो प्रमोशनल टेक्निक्स यूज करते हैं सेल्स बढ़ाने के लिए, और मार्केटिंग में वो इंटीग्रेटेड मार्केट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। यानी सबको साथ में लेकर वो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं हर एक पर्टिकुलर चीज को ध्यान करके, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके, ताकि वो बड़ा शेयर कैप्चर कर सके मार्केट में। सेलिंग में प्रोड्यूसर किंग पिन है। क्यों? क्योंकि वो बेच देता है जो उसने बनाया है। बट मार्केटिंग में कंज्यूमर इज द किंग पिन, क्योंकि हम नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर पर फोकस कर रहे हैं। सेलिंग की फ्रेगमेंटेड अप्रोच होती है, यानी वो सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं, बट व्हाइल मार्केटिंग हैज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। यानी वो इंटीग्रेटेड अप्रोच क्यों है? क्योंकि उसका मेन फोकस सिर्फ सेलिंग नहीं होता, उस बाकी की भी जो चीजें हैं उन पर फोकस करता है। दैट इज व्हाई मार्केटिंग हैज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब इस चैप्टर में जो हमारा अगला टॉपिक आता है दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज जो है वो पांच तरीके की होती है। तो सबसे पहली जो हमारी फिलॉसफी है दैट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि कंपनी क्या करने इसमें क्या फोकस करती है कि वो मास प्रोडक्शन कर सके, वो ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सके। क्यों? क्योंकि थिंकिंग ये है कि अगर वो ज्यादा मास में प्रोडक्शन करेंगे तो उनकी पर यूनिट प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, तो वो मास प्रोडक्शन पर फोकस करते हैं और कस्टमर्स को लोअर कॉस्ट पर प्रोडक्ट सेल करते हैं। कॉस्ट को कम करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं। दूसरा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में वो कहते हैं कि हमें एक सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो मार्केटर्स का छोड़कर लोग हमारे कंपनी का जो है प्रोडक्ट परचेज करें। हम अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अच्छे उसका प्राइस भी स्पेसिफाइड होना चाहिए उसके सेटिस्फैक्शन लेवल से, और हम एक्स्ट्रा एडिशनल सुपीरियर फीचर्स भी डाल देते हैं अपने प्रोडक्ट में। तीसरा आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है टू सेल बाय हुक और क्रुक। मतलब सेलिंग कॉन्सेप्ट की तरह ही हो गया कि हमने जो बनाया है हम वो बेचने पर ही फोकस करते हैं, हम नहीं देखते सामने वाले को उस चीज की जरूरत है या नहीं, सामने वाले की नीड एंड वांट क्या है, सामने वाले के डिजायर क्या है। जस्ट वी फोकस ऑन सेलिंग व्हाट वी हैव प्रोड्यूस्ड थ्रू एग्रेसिव प्रमोशन टेक्निक्स। चौथा आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है? उसका मेन फोकस होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वो प्रोडक्ट बनाता है मार्केट रिसर्च करके, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स देखता है वो सबसे पहले कि कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स क्या है, उसके डिजायर्स क्या है, कस्टमर्स का टारगेट मार्केट क्या है, क्या कस्टमर को जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं है। तो बेसिकली वी फोकस ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। पांचवी हमारी जो मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी है वो आती है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। यानी हम इसमें फोकस करते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, पर हम साथ में क्या करते हैं
सोसाइटी के लिए भी वेलफेयर करते हैं, अब हम सोसाइटी के कुछ रिसोर्सेज यूटिलाइज करते हैं प्रोडक्शन में, तो हमारी ड्यूटी होती है, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना है। हम क्या कर सकते हैं, एथिकल, सारी एथिकल चीजें करें, कोई भी ऐसी चीज ना करें जो हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, या एथिक्स को हम तोड़ के कुछ कर रहे हैं, इकोलॉजिकल बाउंड्रीज के अंडर अंडर करना चाहिए हमें, हम अगर जो भी काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पहला फंक्शन क्या है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, यानी बेसिकली इट इज रिलेटेड टू मार्केट रिसर्च। हम क्या करते हैं, मार्केट से एनालाइज करते हैं कि लोगों की नीड क्या है, लोगों को कैसी चीजें पसंद आ रही है, व्हाट आर द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर। तो हम सारी चीज के बारे में मार्केट एनालाइज करते हैं और मार्केट में से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। दूसरा है मार्केट प्लानिंग। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन तो आ गई है, अब हम क्या करते हैं, स्टेप्स प्लान करते हैं कि हम उन मार्केट के नीड्स और वॉन्ट्स को किस तरीके से मीट कर पाएंगे। तो हम यहाँ अपनी कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करते हैं प्लानिंग करते टाइम पर, ठीक है। हम देखते हैं हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हम कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्राब करके ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मार्केट की प्लानिंग करते हैं। तीसरा है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हमने प्लान बना लिया कि हमें ये चीज कैसे अचीव करनी है, तब अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट को अच्छे से डिजाइन और डेवलप करते हैं ताकि हम जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड को मीट कर पाए। चौथा आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बना लेना, जिस स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम अपने गुड्स की ग्रेडिंग करते हैं। मतलब एक बेस ले लेते हैं स्टैंडर्ड का कि ये हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड है, इससे नीचे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं हो सकती। तो दैट इज स्टैंडर्ड, बेसिकली अबाउट प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंसी टू द कंज्यूमर्स एंड क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है। अब ग्रेड करते हैं, हम ग्रेड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ साइज क्वालिटी। लाइक कोई भी मसाला है तो उसका 10 रुपए का पैकेट है तो वो एक ग्रेड वन के अंदर आ जाएगा, और 20 रुपए वाले मसाले का पैकेट है तो वो दूसरे ग्रेड में आ जाएगा। तो हम उनको उसकी साइज और क्वालिटी क्वांटिटी के हिसाब से ग्रेडिंग करते हैं। फिर आता है पैकिंग एंड लेबलिंग। पैकिंग क्या होता है, प्रोडक्ट को अच्छे से पैक करना, क्यों, ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके हमारा प्रोडक्ट, इतनी अच्छी उसकी पैकिंग होनी चाहिए। और लेबलिंग करना, लेबलिंग में हम सारी डिटेल्स लिखते हैं प्रोडक्ट में, जो भी प्रोडक्ट के बारे में, लाइक उसका प्राइस क्या है, MRP क्या है, क्वांटिटी क्या है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमें लगता है कि हमें कंज्यूमर्स तक पहुंचानी चाहिए, वो हम लेबलिंग करते हुए अपनी पैकिंग के ऊपर लेबल कर देते हैं। अब है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांडिंग इज बेसिकली ब्रांड नेम या एक स्पेसिफिक स्पेशल नेम देना अपने प्रोडक्ट को, क्यों, क्योंकि उससे ब्रांड इमेज डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, सोनी, BPL, वो ब्रांड नेम्स यूज करती है, ठीक है। उसके बाद आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सपोर्ट सर्विस का मतलब होता है आफ्टर सेल सर्विस। अब यहाँ पर क्या है, हमारा जो कंज्यूमर है वो किंग पेन है, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बेचने के बाद ही हमारा काम नहीं खत्म हो जाता है, ठीक है, हम फोकस करते हैं कस्टमर अच्छे से प्रॉपरली सेटिस्फाई हो सके हमारे प्रोडक्ट से। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई डिफेक्ट आता है, तो हम आफ्टर सेल सर्विस, मेंटेनेंस सर्विस, टेक्निकल सर्विस, जिस तरीके की भी कंज्यूमर सपोर्ट सर्विस हमें प्रोवाइड करनी होती है, वो हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। फिर है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अब हम प्राइस क्या होता है, वो पैसा जो हमारे प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर हमें दे रहा है, तो हमें अपना प्राइस उस तरीके से रखना चाहिए कि कंज्यूमर उसे अफोर्ड भी कर सके और क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से वो प्राइस वैलिड भी हो, उसको वैल्यू मिले, वो सैटिस्फाइड हो कि मैंने इस चीज के लिए 10 रुपए दिए, तो हाँ मुझे 10 रुपए जितना सैटिस्फेक्शन इस चीज ने दिया है। देन इट इज प्रमोशन एंड सेलिंग। अब हमने प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा काम कर लिया, अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है ताकि लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, लोग अवेयर हो कि हाँ ऐसा भी प्रोडक्ट है जो मार्केट में है, और हम उसको सेल करते हैं और पहुंचाते हैं कंज्यूमर्स तक। पहुंचाते कैसे, अब है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कुछ ऐसे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक पहुंच सके। क्या क्या हो सकते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, बेसिकली इसमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं हमें, जैसे कि हम कौन सा टाइप ऑफ चैनल चूज करेंगे, ये मैं आगे आपको ब्रीफ में बताऊंगी किस तरीके के चैनल्स होते हैं, ठीक है। फिर अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करना, प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना वेयर हाउसेस में। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या कहता है, वो कहता है कि गुड्स, जैसे मैंने रुद्रपुर में गुड्स बनाए तो वो कुछ रुद्रपुर में ही नहीं कंज्यूम होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत फेमस टी है, दैट इज दार्जिलिंग टी, तो वो असम में मैन्युफैक्चर होती है बट वो पूरे वर्ल्ड में कंज्यूम होती है,
ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उसको मैन्युफैक्चरिंग से टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन पहुंचाया जाता है एंड इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, ये प्लेस गैप को फिल करता है बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन। अब आता है स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग। अब गुड्स जब प्रोड्यूस होगा तभी नहीं कंज्यूम हो जाएगा। अब 1 किलो मैंने अचार प्रोड्यूस किया तो मैं 1 किलो अचार उसी टाइम तो नहीं खा सकती, या मैंने 10 कट्टे अचार बनाया है या 10 कट्टे मैंने कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करी है तो वो उसी टाइम कंज्यूम नहीं कर सकता कोई भी, तो हमें उसे स्टोर करके रखना पड़ता है। दिस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। देयर इज अ टाइम गैप व्हेन द प्रोडक्ट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड और जब वो कंज्यूम होगा, तो उस टाइम गैप को फिल करने के लिए स्टोरेज और वेयर हाउसेज बनाए गए हैं जहां पर हम गुड्स जो है वो स्टोर करते हैं। और वेयर हाउसेज ऐसे होने चाहिए जो हमारे गुड्स है वो वहां पर खराब ना हो सके। सो दैट्स अप इन दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड या डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।